कि लगभग एक महीने से बेचारे ये बच्चे भूखे प्यासे यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं और सरकार का जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं है। गवर्नर साहब अपने एसी लगाकर और जिन कमेटी बनाई थी इन बच्चों के लिए वो भी एसी लगाकर अपने अंदर बैठे होंगे और कमेटी मेरे ख्याल है सिर्फ कागज़ों में चल रही होगी। जब आपने कमेटी बनाई, कमेटी को टाइम दिया, कमेटी के लिए टाइम का बाउंड होना चाहिए कि एक महीने में कमेटी ने काम करना है, दो महीने में करना है, तीन महीने में करना है। आज मेरे ख्याल चौथा महीना जा रहा है कमेटी का और कमेटी का आज कोई पता वता नहीं है। अगर बच्चे बेचारे किसी से सेक्रेटेड मिलने जाते हैं वहाँ पर कमेटी का पूछने तो घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा इन बच्चों को सेक्रेटेड के बाहर खड़ा किया जाता है और गवर्नर साहब से तो मिल नहीं सकते। ये सीधा इनकार है। और यही गवर्नर साहब जब आए थे ये कहते थे कि यहाँ पर कोई बेईमानी दिखाई दी, यहाँ पर नौकरियों में अगर आपको कोई धांधली दिखाई देती है तो मैं यहाँ जम्मू छोड़कर जो है यूपी में वापस चले जाऊँगा। आज हम गवर्नर साहब से पूछना चाहते हैं कि इन बच्चों ने आपको सबूतों के साथ सब कुछ दिया है कि बड़गाम में और कई गाँवों में यहाँ श्रीनगर और जम्मू में भी एक ही परिवार के 11-11, 10-10 बच्चों को जो है नौकरी दी गई है यही फायर में और एक ही दिन में जो है बच्चों को अपॉइंटमेंट कर दी है और इनकी इंक्वायरी भी हो गई है सारी। ऐसी क्या जल्दी मची हुई थी इंक्वायरी के लिए कि एक ही दिन में इनको ज्वाइनिंग करा दिया गया बच्चों को और ये बेचारे पिछले 10-12 साल से यहाँ रगड़ा खा रहे हैं बच्चे। मेरे ख्याल जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा या फिजिकल किया होगा ये जंग थे, लेकिन आज मुझे ये बच्चों की दाढ़ियों में सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चों के बाल नहीं हैं, ये गवर्नर साहब के बाल दिखाई दे रहे हैं मुझे व्हाइट। ये सरकार को चाहिए, इस ढीठ सरकार को जम्मू कश्मीर की, कि अपना सरकार जो है रवैया चेंज करे और इन बच्चों को इंसाफ दे। क्या सरकार यही चाहती है कि 370 टूटने से पहले यही सरकारें यहाँ रोड पर लेट लेट कर शोर मचाया करती थी कि ये सरकारें काम नहीं कर रही जम्मू कश्मीर की। आज इस सरकार से पूछना चाहते हूँ कि क्या ये सरकार अब काम कर रही है, इन बच्चों की ओर कोई ध्यान दे रहे हैं? अगर कमेटी बिठाई है, क्या कमेटी आज बच्चों के साथ आके यहाँ बैठी है एक बार भी? कमेटी जो है विक्टिम के लिए बनाई जाती है, जो बच्चे बेचारों को परेशानी है उनके लिए कमेटी बनाई है, ना कि सरकार के लिए कमेटी बनाई है। अगर कमेटी का ये भी फर्ज होता है कि कमेटी इनके पास एक बार आकर बैठे और इनसे आकर पूछे कि क्या क्या धांधलियाँ हुई हैं, लेकिन कमेटी एक भी बार इनसे पूछने यहाँ नहीं आई है और ना ही बच्चों को पूरा इकट्ठा वहाँ पर बुलाया जाता है, एक एक बच्चे को जान करके इनकी एकता तोड़ने के लिए वहाँ बुलाया जाता है। वो सरकार चाहती है अगर वह यहाँ पर आतंकवाद जो है ख़त्म करना चाहती है तो इन बच्चों को नौकरी देगी, तभी आतंकवाद खत्म होगा। ये गोलियों से मार मार कर बंदों को 10 आतंकवादी मारोगे 10 रोज पैदा होंगे वहाँ पर। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि यही संख्या अखबारों में रोज पढ़ते हैं, आज इतने हो गए, आज इतने नए बन गए जी द्वारा, आज पाकिस्तान से आ गए। वो तो होगा ही, जब ऐसी बेइंसाफी होंगी तो लोग गन उठाएंगे ही बच्चे। अगर बच्चों से गन छीनना चाहते हो तो दिमागी तौर से छीनो, सीधा गोली नहीं, दिमाग उनके जीतो बच्चों के। अगर दिमाग जीतने हैं इन बच्चों को नौकरी दो, इनको इंसाफ दो बच्चों को, ताकि ये होगा। और बाद में अगर जब सारा माहौल बिगड़ने के बाद यही सरकारें हीलिंग टच बनाएंगी, यही सरकार थी पीडीपी के साथ बीजेपी की, इन्होंने हीलिंग टच बनाया था जब वो आतंकवादी बन गए। भाई इनको तो रोको, जो पढ़े लिखे हैं इनको तो नौकरी दे दो, उनको आतंकवादियों को आप नौकरी दोगे हीलिंग टच देके, लेकिन जो बेचारे पढ़े लिखे यहाँ सड़कों पे बेचारे भीख मांग रहे हैं उनको नौकरी मत देना। हम इसको सरकार को चाहते हैं, अगर नौकरी नहीं दे सकते तो गवर्नर साहब अपना इस्तीफा दे के यहाँ से जाएं और एक जनरल को यहाँ पर गवर्नर बनाना चाहिए जो कि इंसाफ दे सके।